करो। और भैया मैं तो ये चाहूंगा कि 302 का वैधानिक कार्रवाई यही है, थाने में मरा है व्यक्ति तो 302 का मुकदमा पूरे स्टाफ पे बनता है। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक कोचिंग संचालक की डेथ पर उसके परिजनों ने गंज थाना में हंगामा कर दिया। देर तक चले इस हंगामे के दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसकी डेथ पुलिस कस्टडी में हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस आरोपों को नकार दिया और कहा कि कस्टडी में उसकी डेथ नहीं हुई है बल्कि जिला अस्पताल में हुई है। फिलहाल आरोपों की जांच की जा रही है और डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक चोरी के मामले में पुलिस कोचिंग संचालक लल्लूराम माथनकर और मोहल्ले के एक और लड़के को पूछताछ के लिए थाने उठाकर लाई थी। उसके बाद लल्लूराम अपने घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उनके मोबाइल फोन पर कई बार फोन लगाए लेकिन उनका मोबाइल बंद था। मंगलवार की सुबह 2 पुलिसकर्मी लल्लूराम के घर गए और उन्होंने बताया कि लल्लूराम की जान चली गई है, उसकी बॉडी ले जाइए। इस सूचना के बाद नाराज परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि लल्लूराम की डेथ पुलिस कस्टडी में मारपीट से हुई है और उस पर पर्दा डालने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। बताया जाता है कि 45 साल का लल्लूराम माथनकर बच्चों को कोचिंग देता था। पुलिस ने चोरी के मामले में उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि डेड बॉडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। शरीर पर मारपीट के निशान हैं और पैरों के तलवों में भी पिटाई के निशान हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि उसकी डेथ किन कारणों से हुई है। वहीं इस मामले में मृतक के भाई आजाव राव का कहना है कि 5-6 दिन पहले पुलिस उसे उठा कर ले गई। रात में हमने उसे कई बार फोन लगाया, फोन बंद था। पुलिस ने सूचना दी कि उसकी जान चली गई है, बॉडी ले जाइए। ये 4-5-6 दिन पहले बोले सिंगा जी के वहाँ से उठा के ले गए। बोले कोई पुलिस वाले ले गए, बोले एक बालू नाम का लड़का था, उसको और इसको दोनों को ले गए। उसके बाद में शाम को मैंने उसी रात, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने बोला ये 10 बज गए 11 बज गए करके मैंने फ़ोन लगाया 12 बजे से लेके 1 बजे तक 7 बार फ़ोन स्विच ऑफ बताया गया। सुबह पता चला कि भाई वो उसके पापा आए तो बोले यार बोले वो माँ साहब को तो ले गए, बोले वो बालू के पापा आए थे, एक लड़का है उसके साथ में, तो उसको भी ले गए। आपको क्या सूचना मिली? फिर अभी सूचना अभी आज मिली, बोले तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है, बॉडी ले जाओ। किसने दी है सूचना तुमको? 2 पुलिस वाले भी आए थे। पूर्व पार्षद अनिल जैन का कहना है कि लल्लू बच्चों को कोचिंग देते थे, उनकी डेथ पुलिस कस्टडी में हुई है, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस उसे उठाकर ले गई थी, तब से वह घर वापस नहीं आया था, परिवार वालों को उसकी डेथ की सूचना दी गई। मेरा नाम अनिल रामभाव जैन, मैं विनोबा वार्ड का पूर्व पार्षद हूँ, 10 साल में पार्षद रहा। जैन साहब बताइए क्या मामला हुआ है? मेरे को अभी मैं शादी में था, मेरे को शादी में गिरधारी हजारे का फोन आया कि बोले ऐसा ऐसा हो गया, लल्लू माथनकर को पुलिस वाले घर से उठा के ले गए बोले, और अभी सुबह 7-8 दिन पहले, और बोले आज सुबह 2 पुलिस वाले आए बोलते कि लल्लू माँ साहब मर गए, उसको उठा के ले जाओ। तो मेरे को ये पूछना है इनसे कि मुर्दा वहाँ जाके मरा है अस्पताल में, ये बोलते हैं अस्पताल में पीएम करा लो, उसकी बीवी आएगी, उसके बच्चे आएंगे, उसका वारसा ना कौन है, उसकी बीवी बच्चे, जब इनने घर से उठा के लाया था तो घर पे छोड़ दे, अगर थाने भी मर गया है तो थाने में वहाँ पे ले जाके छोड़ दे, पीएम भी ये करा ले, काहे को वहाँ पे डाला भाई, पीएम भी करा के भिजा देना, ये क्या समझ रहे हैं, ये मजाक बात लगा रखी है, किसी की जान ले लेंगे, ये तो किसी को भी, वो एक शिक्षा का क्या काम करता था, बरसों से लड़कों बच्चों को कोचिंग देता था, उसके पढ़ाए बच्चे, कई अधिकारी बने हैं, कई नौकरी पैसे पे लगे हुए हैं सर। आपको क्या लगता है कस्टडी में मौत हुई? कस्टडी में मौत हुई, ये पुलिस वालों की लापरवाही से, पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से वो मरा है, ये साफ बात है। अब आप, मैं तो सभी से पूछ रहा हूँ ना, इनसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बताया कि मुर्दा क्या था अस्पताल में जाके मरा क्या, कि मेरा पीएम करा दो डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ, ये बताओ ना,
यहाँ की बात होती है, ये तो अजूबा है, ये कौन लेगा जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जब थाने घर से थाने लेके आए तो इनकी जिम्मेदारी थी, और अब किसके जिम्मेदारी है वो लास्ट क्वेश्चन कौन लेगा? हमने तो हमारे घर से तो जिंदा लेके आए थे ये। इस मामले में गंज थाना के TI AV मरस कोले का कहना है कि हमको अभी जानकारी नहीं मिली है। रात में जिला अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया था और उसके बाद उसकी जान चली गई। पुलिस कस्टडी में उसकी जान नहीं गई है, पूछताछ के लिए उसे लेकर आए थे और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। हाँ, इसमें अभी हमको भी अभी जानकारी मिली है कि इसमें जो है किसी ने रात को वहाँ पर एडमिट करवाया था इनको हॉस्पिटल में, और इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी जानकारी मिली है। आपने ये जानकारी आ रही कि कस्टडी में मौत हुई है? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि पुलिस ने एक हफ्ते पहले उनको उठाया था। नहीं, उनसे पूछताछ के लिए हमारे जवानों ने लेकर आए थे उनको, और तुरंत ही उसको पूछताछ के बाद तुरंत ही उनको छोड़ दिया गया था। कब मौत हुई है? अभी ये तो अब वहाँ से क्लियर हो पाएगा जिला अस्पताल से कि इसकी मौत कब हुई है। कस्टडी में नहीं हुई? नहीं, कस्टडी में नहीं हुई। सर, आपके द्वारा क्या CCTV फुटेज खंगाले गए हॉस्पिटल की, कौन लेके पहुंचा था, उसको किसने एडमिट किया? नहीं, अब ये जिला अस्पताल जो है मेरे थाने क्षेत्र में नहीं आता है, कोतवाली क्षेत्र में आता है, तो वहाँ की पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। इसमें मर्ग जो की कार्रवाई होने के बाद में अग्रिम जाँच वहीं से की जाएगी। बैतूल से महेश चंदेल, सागर TV न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720040283।